बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताबून से बाबर हयात शो। नाज़रीन, जनूबी अफ्रीका से वार्म अप मैच हारने के बाद जो मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर सवालिया निशानात उठ खड़े हुए हैं और जिस तरह से पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाजों के सामने एक्सपोज हुई, उसके बाद अब पाकिस्तानी टीम के कैंप में खतरे की घंटियां बज गई हैं और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, कुछ हंगामी इजलास तलब कर लिए गए हैं। क्या होने जा रहा है इन मीटिंग्स में, और बात करेंगे कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ किस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ उतरना चाह रहा है, इस हवाले से भी बात की जा रही है। इसके अलावा हमारे आज के इस प्रोग्राम में बांग्लादेशी भाइयों के लिए जबरदस्त खबर है और वो है बांग्लादेश के क्वालिफाई करने की सूरत में बांग्लादेश अब किस ग्रुप में आ रहा है, इस हवाले से आपको अपडेट करूंगा। और इसके अलावा कुछ छोटी मोटी दीगर चीजें भी डिस्कशन का हिस्सा होंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @BaberHayatShow और हमारे पेज को लाइक कीजिए फेसबुक पे @BaberHayatShow। तो जनाब, सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश ने फाइनली सुपर 12 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जी हां, बांग्लादेश फिलहाल, जब ये मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, बांग्लादेश की टीम अपने ग्रुप 2 में यानी ग्रुप बी में बांग्लादेश की टीम जो है वो टॉप पर आ गई है और ग्रुप बी में दूसरे नंबर पर इस वक्त जो है वो स्कॉटलैंड की टीम विराजमान है। मैच हो रहा है इस वक्त स्कॉटलैंड और ओमान का, जिसमें ओमान थोड़ी मुश्किल में दिखाई दे रही है और स्कॉटलैंड अगर ये मैच जीत जाती है तो फिर क्या होगा, फिर क्या स्कॉटलैंड जो है वो ऊपर जाएगी और बांग्लादेश नीचे आ जाएगी, तो क्या फिर स्कॉटलैंड पाकिस्तान वाले ग्रुप में आएगी, या अगर स्कॉटलैंड हार जाती है आज का मैच तो फिर ओमान ऊपर आएगी और क्या ओमान पहले ग्रुप में आएगी या दूसरे ग्रुप में, मोस्ट प्रोबेबली ओमान जो है वो दूसरे नंबर पे आएगी और बांग्लादेश पहले नंबर पर रहेगी। लेकिन अभी ये इफ्स एंड बट्स जो है वो होना बाकी है, कंफर्म नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस के लिए ये बड़ी जबरदस्त है और आई विश के बांग्लादेश पाकिस्तान के स्क्वाड में आए और फिर बांग्लादेश और इंडिया का मैच हो, पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो, तो हमारे लिए तो दो दो जबरदस्त मैच हो जाएंगे और मजे वाले मैच हो जाएंगे। सो बांग्लादेश का पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड वाले ग्रुप में आने का कभी इम्कान फिलहाल मौजूद है। ये चांस चेंज भी हो सकता है क्योंकि जो ग्रुप बी की नंबर 1 टीम होगी वो आएगी हमारे ग्रुप में और जो नंबर 2 टीम होगी ग्रुप ए की वो हमारे टीम ग्रुप में आएगी। तो ग्रुप ए की जो नंबर टीम बन रही है वो नंबर 2 टीम बन रही है वो आयरलैंड बन रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर बांग्लादेश पहले नंबर पे बरकरार रहती है तो बांग्लादेश और आयरलैंड इधर आएंगे और फिर स्कॉटलैंड या फिर दूसरी जो टीम उधर से श्रीलंका, ये दूसरे ग्रुप में जाएंगे। लेकिन अभी कुछ भी हो सकता है, थोड़ी सी सिचुएशन अभी इस मैच के बाद क्लियर होगी, लेकिन फिलहाल बांग्लादेश ने क्वालिफाई कर लिया है, उधर श्रीलंका ने क्वालिफाई कर लिया है, तो बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों जो है वो अपने अपने ग्रुप्स में जाएंगी, लेकिन ये ए और बी का चक्कर बाकी रहेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्या हारा एक वार्म अप मैच, तो जहां हम बहुत से लोगों ने खतरे की घंटियां बजा दी, अब हमारी टीम में भी खतरे की घंटियां बज गई हैं और उसकी वजह मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ही सीरियस हमने ले लिया है इस वार्म अप मैच को। परेशानी की बात है, ये नहीं है कि परेशानी की बात बिल्कुल नहीं है, है परेशानी की बात, और परेशानी की बात हमारे जो जिन बॉलर्स के ऊपर हमने उम्मीद लगा रखी है कि ये भारत को टफ टाइम देंगे, न्यूजीलैंड को टफ टाइम देंगे, दूसरी टीमों को मुश्किल में डालेंगे और पाकिस्तान को जितवा कर देंगे, टॉप 4 में लेकर के जाएंगे, तो उनके ऊपर हमने तकिया किया, वो रात वही पत्ते हवा देने लगे, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, तो ये मसला तो है लेकिन इतना बड़ा सीरियस मसला नहीं है कि जितना इसको बना लिया गया। हमारे कुछ दोस्तों ने तो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, तो मैं रात भी कह रहा था कि यार इतना क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है, ये वार्म अप मैच था। यहीं पर अगर मैंने कल भी बात की कि अगर आपने उसको फखर जमान को रिटायर्ड ना किया होता तो मुमकिन है वो भी सेंचुरी कर चुका होता, जबकि आप देखिए कि दूसरी जानिब
जनूबी अफ्रीका ने किसी खिलाड़ी को रिटायर नहीं किया, उनके खिलाड़ी आउट होकर ही बाहर गए हैं ना, तो क्या प्रॉब्लम था? इसको भी थोड़ा और खेल लेने देते, इसको जो है वो आप ज्यादा ही, बाबर आजम जो है वो बड़े कप्तान बनने के चक्कर में उसको आपने बाहर भेज दिया, उसको आउट होने देते। दूसरी जानिब आपको मोहम्मद हफीज साहब प्रैक्टिस तो करवा रहे हैं ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए, मोहम्मद हफीज भी बहुत बड़ा कंसर्न है इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मोहम्मद हफीज दोनों वार्म अप मैचेस में कुछ नहीं कर पाए, तो अगर मोहम्मद हफीज बैटिंग में कुछ नहीं कर पाएगा तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम बनेगी। अब खबर ये आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि पाकिस्तानी टीम में भी वो जो हमने मीडिया के अंदर एक पहाड़ खड़ा कर दिया, इस राई का पहाड़ बना दिया हम सबने मिलके, अब उस राई के पहाड़ की वजह से वो सारे का सारा प्रेशर अब पाकिस्तानी टीम पे भी पड़ रहा है, और अब पाकिस्तानी टीम का आज हंगामी इजलास तलब किया गया है। सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं कि एक हंगामी मीटिंग तलब की गई है, और तीनों जो कोचेज हैं उनको जो है वो उनके रेलेवेंट फील्ड के खिलाड़ियों के साथ सर जोड़कर बैठने को कहा गया है कि किस तरह से आखिरी तीन ओवर्स में पाकिस्तान के बॉलर जो है वो 50 रन खा गए, ये बड़ा सवाल है पाकिस्तान के लिए, और किस तरह से हसन अली ने आखिरी ओवर में डिफेंड नहीं वो कर पाए, हालांकि इतना तजुर्बा है उनके पास, और किस तरह से हारिस रऊफ को एक ओवर में 18 रन पड़ गए। इन तमाम सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश की जाएगी इस मीटिंग में, और ये मीटिंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मीटिंग से ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तानी टीम के ऊपर थोड़ा प्रेशर आया है। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि भारत के मुकाबले से पहले पाकिस्तानी टीम पे प्रेशर आना, दूसरी जानिब भारत के ऊपर भी प्रेशर है भाई, उनके ऊपर भी टेंशन बनी हुई, क्योंकि उनका भी कॉम्बिनेशन उस तरह से 100% नहीं चल पा रहा, उनके बॉलर्स उनको उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पा रहे, बल्लेबाज ही उनकी हमेशा से स्ट्रांग है लेकिन उनके बॉलर्स का कॉम्बिनेशन हल नहीं हो पा रहा, इसके अलावा पांड्या अभी तक फॉर्म में वापस नहीं आ रहे, दूसरे भी कुछ खिलाड़ियों का इश्यू है, उनका अपना कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हुआ है, वो अभी तक सोच रहे हैं किसको पहले पे खिलाएं किसको दूसरे पे, तो चीजें उधर भी सेटल डाउन नहीं है, दोनों टीमें प्रेशर में है। आज जो है वो कोहली की गुफ्तगू है जो उन्होंने सोशल मीडिया पे रिप्लाई किया है, उससे भी ये लगता है कि वो प्रेशर में हैं। प्रेशर तो होता है, पाकिस्तान इंडिया का मैच कोई भी टीमें हो दोनों तरफ प्रेशर जरूर होता है, क्योंकि वो एक मतलब समा ही अलग होता है ना, माहौल ही डिफरेंट होता है, उस माहौल का अपना प्रेशर है, फिर क्राउड का प्रेशर है, फिर पूरी दुनिया देख रही है, अरब एक अरब से ज्यादा लोग तो उस मैच को देख रहे होते हैं, तो ये प्रेशर जो जनरेट होता है ये बहुत बड़ा प्रेशर है, ये इस प्रेशर को जो टीम हैंडल कर जाएगी बेसिकली वही टीम जीतेगी, बाकी तो चलता रहेगा सब कुछ, प्रेशर हैंडलिंग सबसे बड़ा मसला है, और इसी प्रेशर को हैंडल मरोड़ने के लिए पाकिस्तान टीम में जो है वो ये हो रही है, मीटिंग हो रही है, सकलैन मुश्ताक स्पिनर्स के साथ बैठेंगे, फ्लेंडर जो है वो फास्ट बॉलर्स के साथ, और मैथ्यू हेडन जिसपे अब बाकायदा तनकीद हो रही है कि भाई इनको शॉटों की तारीफ के लिए बुलाया हुआ है, वाह जी वाह, वेल डन, वो शॉटें मार रहे हैं और ये तारीफें कर रहे हैं, तो इस मकसद के लिए तो इतने पैसे नहीं दिए गए, उन पे भी तनकीदें हो रही है। हमारे मुल्क में जो सबसे जबरदस्त काम हम करते हैं वो तनकीद करना करते हैं, इसको ले आओ उसको ले आओ फलां करो, भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि पाकिस्तान ने जो पहले और दूसरे मैच में कॉम्बिनेशन खिलाया है, पाकिस्तान भारत के साथ उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा, और बॉस मैं आप मुझे पसंद करें ना पसंद करें जो मर्जी करें, लेकिन मैं ये अब इस हक में नहीं हूं कि एट 11th आर आप आके जो है वो अपना ओपनिंग जोड़ी तब्दील कर दें, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा आप आगे किसी जो है वो अपना बॉलिंग कॉम्बिनेशन चेंज कर दें, आप ये कहें जी नहीं जी फलां को डाल लो फलां को निकाल लो, एक आध चेंज आप सिचुएशन को देख के कर सकते हैं, उससे पैनिक जाहिर नहीं होता, लेकिन जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे ना तो आपको अंदाजा, दूसरी टीम को अंदाजा होता है कि भाई इन्होंने पैनिक बटन दबा दिया, प्रेशर में आ गए हैं ये लोग, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान उसी कॉम्बिनेशन से जा रहा है, आखिरी खबरें यही आ रही हैं, अंटिल और अनलेस कि कोई अनफिट नहीं होता, खुदा ना खास्ता कोई अनफिट होता है तो वो सब फिर एक बड़ा प्रॉब्लम बनेगा, लेकिन आज पाकिस्तानी टीम ने प्रैक्टिस नहीं की, आराम किया है लेकिन आराम के अंदर दिमाग से काम किया है, और जो मीटिंग जो हंगामी इजलास तलब किया गया है उसमें कहा गया है कि बच्चों इंडिया के खिलाफ जम के खेलना है, टेंशन नहीं लेनी बल्कि टेंशन देनी है, और टेंशन में सारी पाकिस्तानी कौम इस वक्त पड़ी हुई है, समझ नहीं आ रही कि यार ये जो दरमियान वाले दो दिन है ये कैसे निकलेंगे, किस तरह से ये दो दिन जाएंगे, और 24 अक्टूबर आएगा जब पाकिस्तान
इंडिया आपस में टकराएगा और फिर हमसे जो टकराएगा क्या वो पांच पांच हो जाएगा, इस पे अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।